हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू समराइज वर्ल्ड अमेजिंग बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रोबिन शर्मा। इस बुक में टोटल 101 चैप्टर्स दे रखे हैं। इस बुक की जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, हर कोई भी इस बुक को पढ़ सकता है। और ये बुक अगर प्राइस की बात करी जाए तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बुक है। इस बुक में जैसे मैंने कहा 101 चैप्टर्स हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं और हम इसको कैसे पढ़ेंगे। हर जो चैप्टर दे रखा है वो 2 या 3 पेजेस में कंप्लीट हो रखा है और बहुत ज़्यादा लेंथी डिस्क्राइब नहीं करा है। किसी भी बेसिक टॉपिक को ऑथर ने इसमें लिया है और उनके ऊपर बात करी है, बट ऐसा नहीं कि उस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ बोला है। बहुत 1 या 2, लास्ट से लास्ट 3 या 4 पेज में ख़त्म कर दिया है। तो आप जब 101 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी किताब है, मैं कैसे पढ़ूंगा। बहुत ही स्मूथ आप चैप्टर्स को कवर अप कर पाएंगे। सो मैंने इसी बुक में से, अब 101 चैप्टर्स तो हम बहुत पॉसिबल नहीं है कि हम उसको समराइज कर सकें, बट कुछ मैंने चैप्टर्स पिकअप करे हैं जिसको मैं इस वीडियो में समराइज करूंगी। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो जो चैप्टर है इस बुक में, प्रैक्टिस टफ लव, ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग और कुछ डिफरेंट लगा। तो ऑथर ने टफ लव को किस चीज़ में बोला गया है, ऑथर टफ लव डिसिप्लिन को बोलते हैं। इसमें ऑथर ने कहा है कि जितनी आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, जितनी आपकी लाइफ डिसिप्लिन होगी, उतनी लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथर होगी। और हर चीज़ आप डिसिप्लिन से ले सकते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपकी विश है, आपके ड्रीम्स है, वो सब कुछ आप डिसिप्लिन से, आपको वो मिल सकता है। ऑथर इसमें ये भी कहते हैं कि विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन आप ना ही टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, ना ही अपनी हेल्थ को आप ध्यान दे सकते हो, ना ही आप अपने टफ टाइम को भी, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप टफ टाइम से भी नहीं निकल सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऑनर योर पास्ट। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल सकती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पास्ट में स्टक होते हैं, तो ऑथर यही बोलते हैं कि अगर आप पास्ट के बारे में एक बार को भी सोचोगे तो उतना ही आप फ्यूचर को अपना पीछे करते हो। और जब आप प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा देखोगे तो सॉल्यूशंस को आप कैसे देखोगे। ऑथर इसमें ये भी बोलते हैं कि जितने भी लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है या उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं या उनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, तो चांसेस होते हैं कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी आपके कामयाब होने की, आपको सक्सेस मिलने की। और ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों के साथ हुई भी हैं। एंड ऑथर ये भी बोलते हैं कि अपने पास्ट में से कुछ सीखो, अपनी जो आपकी पास्ट लर्निंग्स है उसमें से कुछ सीखो और अपनी आगे की जो भी लाइफ है उसमें उन चीज़ों को यूज़ करो। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है औरों के कंपैरिजन में, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा जो शायद उन लोगों के साथ ही होगा जिनका बहुत स्मूथ चल रहा है। तो इस चीज़ से कभी ऐसे परेशान मत हो और पास्ट में इतना ज़्यादा स्टक मत रहो कि ये क्या हो गया, उस थिंकिंग में मत रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके सक्सेस के, आप उसमें से सीखते हो, आप एक बेटर वर्जन में जाते हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट यू आर थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, यू विल नॉट सी योर फ्यूचर। तो ऑथर यही बोलते हैं कि अगर आप अपने पास्ट को देखते हो, अपने फ्यूचर को पीछे करते हो, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और आप इसमें एक चीज़ ये कर सकते हो कि जो भी चीज़ें रही, जो भी जैसा था, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। थोड़ा टफ होगा बट एज अ टाइम आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। एंड इसमें एक और चैप्टर है, टॉक टू योरसेल्फ। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप से बात करो। जैसे एक ये टेक्निक मैंने भी यूज़ करी थी दैट टाइम, मेरा जो कभी कोई फ्रेंड नहीं था जिससे मैं कोई भी चीज़ें अपनी शेयर कर सकूँ, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो उसमें क्या कर सकते हो, जब भी आप सोने जाओ तो आप थोड़ा टाइम दो, आप सारी चीज़ों को समराइज करो, आप खुद से बातें करो, क्या आपने सही करा, क्या आपने गलत करा। और ऐसा नहीं आप सोने जाओ, आप दिन में किसी भी टाइम अपने आप से सेल्फ टॉक कर सकते हो। ऐसा नहीं पूरे टाइम आप बात करो, बट कुछ टाइम ऐसा अकेले जाके बैठो किसी रूम में, थोड़ा लाइट वाइट भी ऑफ कर लो, माहौल बना लो, या कहीं टेरेस पे जाके बैठ जाओ जहाँ पे खुद देखो अपनी लाइफ को कि किस तरह से लाइफ चल रही है, किस तरह से आप सही कर रहे हो, आप गलत ट्रैक पर हो, किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। और कुछ सेल्फ टॉक में इसमें ये भी बोलते हैं ऑथर कि कुछ ऐसे आप अफर्मेशंस रखो, कुछ ऐसी लाइंस रखो जो आप खुद से बोलो, जैसे आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप ये कर सकते हो। तो कुछ सेल्फ टॉक आपके लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो, ज़रूरत नहीं है कि कोई आपसे आकर बोले, वो चीज़ आप खुद बोलो, खुद से बोलो। और उस चीज़ को जब आप फील करोगे, बोलोगे, वही आप धीरे धीरे बनते जाओगे।
और एक और पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट थैंक यू नोट्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। जब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेल में जा रही है, बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, आपको लग रहा है कुछ नहीं दिख रहा है ना, और ये वैसे भी करना चाहिए, नॉर्मल लाइफ भी चल रही है या कभी भी, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आप थैंक यू नोट्स लिखो। जब एक टाइम मेरा भी था जब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, क्या करना है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, बट आई वॉज स्टार्टिंग देखना कि क्या है मेरी लाइफ में, क्या चीज़ें हैं जो औरों के पास नहीं है या अभी मेरे पास हैं जिनसे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है, और अगर ये नहीं होगा तो मेरी लाइफ कैसी दिखेगी। तो मैंने वहाँ तक जाके देखा और मैंने लिखना स्टार्ट करा कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, और उससे सच में लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होती है, जब आप एक ग्रेटिफिकेशन वाली फीलिंग रखते हो कि आप जब छोटी छोटी चीज़ें आपके पास हैं और अगर ये चीज़ आपके पास नहीं, आपको कुछ और भी मिल जाए बट ये नहीं होगा, तब आपकी लाइफ कितनी हेल होगी। तो थैंक यू नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मन दिमाग में और अपने डायरी में, अच्छे से डेली लिखो, इसे प्रैक्टिस भी बनाओ, जिससे लाइफ बहुत स्मूथ होती है। इस चीज़ को मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। इस बुक में एक चैप्टर और है, लिस्ट योर प्रॉब्लम, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को एज अ बिगनिंग, एज अ कॉलेज टाइम, एज अ स्कूल टाइम में पता होना चाहिए कि लिस्ट योर प्रॉब्लम, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक दो प्रॉब्लम लाइफ में चल रही होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि मैं इसे सही करूँ, इसे सही करूँ, और ऐसा नहीं, वो सामने चल रही होती है, वो आपके माइंड में चल रही होती है, और उस टाइम पर उसको सॉल्व कैसे करा जाए, इसको ठीक कैसे करा जाए, वो हमें समझ नहीं आता। तो ऑथर बोलते हैं कि लिस्ट योर प्रॉब्लम, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसकी लिस्ट बनाओ। जैसे आपने भी देखा होगा कि जब आप अपने फ्रेंड को, किसी को भी अपनी बात दिल से शेयर करते हो, जो भी आपको बॉदर कर रही होती है, तब आपको बहुत ज़्यादा लाइट एंड फ्री होता है, बहुत ज़्यादा लाइट एंड फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, जैसे शोल्डर्स से आपका जो बोझ है वो हट गया हो, प्रॉब्लम जैसे कि खत्म हो गई हो। और जब फ्रेंड आपको कोई ओपिनियन दे दे या कुछ ऐसी बता दे आपको कि ये ऐसे सही हो सकता है, और हो सकता है आप एक दो हफ्ते या महीने या सालों से परेशान हो, वो एक मिनट में सही हो जाए। और ऑथर इसमें ये भी बोलते हैं कि उनके सेमिनार्स में ऐसे लोग आते हैं जो 15 साल पहले की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बताते हैं कि वो उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ उनको हिट कर रही है। तो ऑथर ने इसमें यही बोला है कि एक पेपर लो, उस पर सारी प्रॉब्लम्स लिख दो, जो भी है, एग्जाम पास नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही है, घर की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो जो आपके दिमाग में खिचड़ी बना रही हो, फिर आप खुद ठंडे दिमाग से बैठ के देखो कि इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, ये ठीक कैसे हो सकती है, और इससे मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, हेल्प लेना कोई बड़ी या बेकार चीज़ नहीं होती है, आप किसी से, बस अच्छे लोगों से हेल्प लो और उससे देखो कि आप कैसे इससे गेट ओवर कर सकते हो। लिस्ट बनाओ, जब तक लिस्ट नहीं बनाओगे, दिमाग में रहोगे, घोंच पोंच रहेगी, तो वो और ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगी, और ज़्यादा बॉदर करेगी। बट जहाँ आप लिस्ट बनाते हो, उस पर काम करना स्टार्ट करते हो, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जाना स्टार्ट हो जाती है, और आप कि जैसे कंधों से जो बोझ है वो हटने लगता है और लाइफ स्मूथ होने लगती है। सो आज की इस बुक में मैंने 5 जो पॉइंट्स हैं, जो चैप्टर्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, जिनसे मैंने सीखा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे थोड़ा पहले पता होनी चाहिए थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना जो पार्ट आपको अच्छा लगो, पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो, जिससे मोटिवेशन आता है। एंड इस बुक का अगर हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे, कुछ और चैप्टर्स भी इसमें कवर करेंगे जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।